इससे बहुत डरता हूँ, किसके बाप से नहीं डरता, इससे बहुत डरता हूँ। हेलो, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम, सुप्रभात, आदाब, लवली पीपल। फाइनली मैं जब से आई हूँ बंदा आज घर पे है, आज इन्होंने वक्त दिया एक्चुअली। ये मेरा टिंगरू टिंगरू। तो आज का व्लॉग स्टार्ट किया है हम सबने साथ में, और आज खान साहब आपसे सारी बातें करेंगे। इवन जो कमेंट्स आ रहे हैं, हमारा नाम नहीं लिया, उन सबके नाम भी लेंगे, है ना? अच्छा हाँ, मैं पढ़ता हूँ कमेंट्स, तो पढ़ते रहता हूँ सबके, देखते रहता हूँ। माशाल्लाह सभी अच्छे कमेंट्स करते हैं, नेगेटिव तो कोई करता नहीं है, और मेरे लिए तो बहुत ज्यादा करते हैं। तो मैं सबको आई लव यू, मेरे प्यारी बहनों, मेरे प्यारे दोस्तों, जो दिल से चाहने वालों, आई लव यू। तो कैसे हो सबको, सब लोग कैसे हो, सब बढ़िया है ना? मेरा टिगरू देखो कैसे है उल्टा चश्मा लेकिन ये उनके पास आज मैं स्पेशली आप लोग के लिए रुका हूँ, ये बहुत दिनों से पीछे लगी थी। स्पेशली आप लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं, आप लोगों के लिए, इनके लिए भी नहीं, इनके लिए भी, आप लोगों के लिए, इनके लिए भी। देखिए मैं, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, बहुत टाइम उधर देना पड़ रहा है मुझे, तो इन्होंने बहुत फोर्स किया। मैं, मुझे भी लगा मैं हर पर डे ये बोलता हूँ कि कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, लेकिन नहीं होता है। तो आज फाइनली सोचे कि आज नहीं जाएगी, कोई काम नहीं करेंगे, आज प्रो ब्लॉग शूट करेंगे। और रहा लव स्टोरी का ना, उसके लिए ना बहुत फोन ऑफ रहना चाहिए मेरे, मुझे फुल टाइम कोई रहना नहीं चाहिए घर में। तब हमने पता लोकेशन बुक किया, सब किया, लेकिन ये बंदा वक्त नहीं दे रहा, टाइम नहीं एक्चुअल में। सॉरी गाइस, एक्चुअल में नेक्स्ट वीक आ जाएगा आपके लव स्टोरी प्रॉपर, दो तीन दिन लगेगा, और पार्ट वन पार्ट टू में आना आएगा, क्योंकि लव स्टोरी छोटी नहीं है, बड़ी है। और लव स्टोरी बस ओरल ऐसी नॉर्मल बड़ी बड़ी टॉपिक पे नहीं, मैं चाहता हूँ हर टॉपिक आपसे शेयर करो, रियल हो, कब कहाँ किस स्टेप पे क्या हुआ, किस स्टेज पे हमने क्या किया। उसके लिए माइंड सेटअप होना चाहिए, और डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, कि जो फील होना चाहिए वहां तब की फील अभी भी होना चाहिए, ऐसा आपको बता दिया नॉर्मल जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, वैसा नहीं। तो वो सब चीजें इमोशनल भी होना है, उसमें मस्ती मजाक भी है, इसके लिए कोई होना नहीं चाहिए। आज हम लोग बहुत देर से उठे, क्योंकि कल रात में खान साहब बड़े देर से आए, एक्चुअल मैं आउट ऑफ एरिया गया था मैं, उसके बाद फिर आए, फिर मॉर्निंग में सब लेजी लेजी चला, ब्रेकफास्ट हुआ, लंच हुआ, और फाइनली इवनिंग हुआ नहीं है, बस हो जाएगा। वेदर भी माशाल्लाह बहुत प्यारा है, वेदर बहुत अच्छा है, बस जस्ट अभी मैंने थोड़ा करीब में गया था, जस्ट आया हूँ, तो बाहर नहीं गया था, काम पे नहीं गया था, बस जस्ट। अच्छा, सबके कमेंट्स आ रहे हैं कि खान साहब ने वेट कम कर लिया, इतने कमजोर हो गए, अल तो मैं छटो बटा, मेरे रियल में ऐसा हो गया, मन्नू थी नहीं साथ में, सुनो हाँ, क्या मन्नू साथ में नहीं थी, और मुझे खाने का टाइमिंग कुछ सेट नहीं हो रहा था, ब्रेकफास्ट में ऑल डे रह रहा था पूछो, और रात में फिर इवनिंग में या फिर 7 o'clock या 8 o'clock में डायरेक्ट लंच डिनर एक साथ हो जा रहा था, और मैं खुद चाहता था कि वेट लॉस हो, मैंने डाइटिंग भी कंट्रोल किया हूं। जो इनका फायरिंग वाला पीरियड था ना, उस टाइम पे इनका जब वेट किया डॉक्टर्स ने देखा तो 100 something था, तो डॉक्टर्स ने भी कहा था कि अपना वेट थोड़ा सा कम करो, थोड़ा सा मतलब ज्यादा ओवर वेट, और मैं बाहर हूँ तो मैं यही चाहता हूँ कि मुझे खुद को टाइम दो, जिम जाओ, लेकिन नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, कुछ भी टाइम शेड्यूल सेट नहीं, हो जाएगा एक महीने में हो जाएगा, लेकिन अभी बहुत ज्यादा बिजी चल रहा है। लकी एक्चुअली इतने बिजी है कि उनके खाने का कोई टाइम नहीं है, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करके चले गए, वो भी मैं हूँ तो चले गए, अदरवाइज डायरेक्ट डिनर होता है, वो भी लेट नाइट, तो बस वही हो रहा था मेरे साथ, इसलिए वेट लॉस मेरे जितने शर्ट्स है पैंटे है सब लूज हो रहे, ज्यादा नहीं, लेकिन आप देख सकते हैं फिट लग रहे हैं, तुम्हें छाटो डैडी दिखाओ, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। तो मैं बड़ी शॉकिंग थी कमेंट्स पढ़ के कि ऐसा, हटो ना थोड़ा सा, इतना बताया कि फेस ने जो यहाँ पे बबली था तो वो कम है, और आईज वो तो चाहता था ऐसा फेस रहे कि मेरा बेटा जब यंग रहे तो मैं भी यंग रहूं ये चाहते हैं मेरी गर्लफ्रेंड होवे और एदी भी गर्लफ्रेंड होवे, फिर मैं दोनों को मार मार के पैर तोड़ दूं दोनों के ये जब साथ में चले तो ये सोच
सोचना चाहिए कि दोनों दोनों भाई भाई है या फ्रेंड है। थोड़े दिन में तो हमको भाई बहन ही समझेंगे, हम दोनों बढ़िया जाए करेंगे ना बेबी, है बेबी। तो मैं भी वो पूरा फिटनेस लाऊंगा, सिर्फ वेट लॉस कर रहा हूँ और खाने पे डाइटिंग भी जैसे 4 चपाती 3 चपाती खाता था, 2 चपाती होती है वो भी ऐसा लगता है खाओ लेकिन मैं नहीं खाता हूँ नाइट में। अभी तो वो खुद से थोड़ा सा परहेज कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम मन्नु के हाथों का खाना भी तो नहीं मेरा होटलों में खाना पड़ रहा था। हाँ ये दिल से बोलो तो बात है, हस्बैंड तो बोला था वो बड़े दिखा देते। एक्चुअली मन्नु वहाँ पे मुझे अच्छा खाना खिलाती थी, नॉनवेज खाते थे, यहाँ पे नॉनवेज नहीं मिल रहा है और मैं खाना भी नहीं चाहता नॉनवेज। घर पे हम जबरदस्ती खिलाते हैं, टाइम पे खिलाते हैं तो फर्क पड़ जाता है। लेकिन बुलेट का सारे कह रहे थे तो बुलेट अभी तक नहीं निकली है। प्रॉब्लम नहीं है बुलेट वगैरह से, ऐसा कुछ नहीं है कि ये बुलेट का निशान। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि जब चेकअप हुए लास्ट टाइम डॉक्टर्स ने यही कहा कि अभी निकलने में प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज ऐसा तो नहीं। ये बुलेट का निशान है देखिए, ये थी बुलेट, यहाँ से चला गया था और बुलेट अभी यहाँ है बैक से, और अब बुलेट ना पूरा हिल हिल के यहाँ आ गई है। हिल के बुलेट तो जब रास्ता बोला की चलेगी डॉक्टर बोले उसको आने दो, हैंड को लगती है फिंगर ऐसे लगाए तो लगती है, ऐसे टच करो तो वो चुपती है, लेकिन अभी वो निकाल नहीं सकते क्योंकि वो अभी भी फंसी हुई है, क्योंकि कितने डीप में है एक्चुअल में पता नहीं है। तो होल करते जो डॉक्टर ने कहा कहने का होल करते तो जो नसें जो सर्जरी है वो कैंसर मतलब वो हो सकती है क्या, फेल हो सकती है सर्जरी, फिर अननेसेसरी होगा। सो दैट्स वो ऐसे डॉक्टर सर्जन डॉक्टर है उनका एक्सपीरियंस है सब चीजों का, ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगी तो चलो आ जाएगी। बाकी सब बहुत अच्छा चल रहा है, आज बड़ा अच्छा लंच किया हमने, है ना। शिमला मिर्च था, शिमला मिर्च वेजी खा रहा हूँ ज्यादा था। और जिसको भी लोग वेट लॉस कर रहे हैं ना नाइट में खाना अवॉइड करिए, और वो ककड़ी खाते थे चर्बी के लिए। बंदे के पास बड़ी अच्छी ट्रिक्स है वेट लॉस की। मैं कुछ दिन अगर मेरा अपना जिम शेड्यूल और डाइट शेड्यूल अगर मैं सेट कर लूँ ना तो बहुत जल्दी मेंटेन कर लेते हैं खुद, बस मैं ही नहीं बस मुझे रात का प्रॉब्लम है, रात में लेट नाइट आना, दिन में जाना, कुछ भी टाइम पे नहीं हो रहा है, रनिंग ज्यादा हो रहा है, सब जर्नी ज्यादा, लेकिन टेंशन नहीं है। आपको क्या टेंशन है जो आप पूछ रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक है, हम खुश हैं और ये काम के चलते बाहर हैं तो बस वही वजह है, अदरवाइज तो आप सब देखो काम तो लगा है। हम जो चाहते हैं काम बढ़ना चाहिए तो काम कोई मिलता है तो उसको प्रॉपर पूरा ध्यान देके, अरे मैं नहीं मेरे साथ 60 लोग है, 60 है सारे तो अपनी फैमिली से आके बेचारे कर रहे हैं, सब बाहर से आए हैं, सब जॉब कर रहे हैं, सब माशाल्लाह सब सेट हुआ है, अभी 6-7 दिन हो गया सब सेट हो गया माशाल्लाह। मतलब कर तो 2 महीने से रहे थे लेकिन अब वो सारा प्रॉपर लाइन पे आया है। ये करना मेरा ओपनिंग हुआ 16 को, 16 से ओपनिंग हुआ मेरा, बस हैंडवर्क हुआ मेरा सब कुछ। तो मैं भी कल चली जाऊंगी, बंदा बिजी है इन्हें कहीं और निकलना है इसलिए मैं जा रही हूँ, मैं अकेली क्या करूँगी, लेकिन मैं फिर आऊंगी बहुत जल्दी इंशाल्लाह। हेलो एवरीबॉडी, आई लव यू। और आगे आपके पास लकी खान, मेरे कुछ फ्रेंड है कुछ बहने हैं बहुत बोलती है कि मेरा नाम नहीं लेते हैं और मेरे को सबके नाम याद है, कुछ जो मुझ पर पर्सनल कमेंट करते हैं मन्नु को नहीं मुझको, उसका नाम ज़रूर लूँगा। और जैसे दीक्षा है, दीक्षा यादव जो मुझे बहुत ये करते हैं कमेंट करते हैं जब भी मेरा ब्लॉग आता है, और वो है दीक्षा, दीक्षा तुम बहुत अच्छी हो, थैंक यू। बुशरा की वेडिंग है पूना में, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, आपने डेट नहीं शो किया, अब डेट बताइए बुशरा कि आप आएंगे आपके वेडिंग की, इंशाल्लाह हम आएंगे ज़रूर। एक किरण है जो किरण बोलती है कि मेरा नाम नहीं लेते हैं, तो किरण आप नाम लिए हैं और थैंक यू, आप कमेंट करते हैं जिसको भी कमेंट आते हैं जिसकी इच्छा होती है, और हमें भी अच्छा लगता है कि एक नाम ले हमको जिसका नाम लेना चाहिए और बोलते हैं तो अच्छा लगता है, आप उनकी रिक्वायरमेंट सुनना चाहिए। और मैं एक्चुअल में बहुत बिजी हूँ, एक्चुअल मैं ब्लॉक में इसलिए नहीं आ पा रहा हूँ जबकि मन्नु साथ में अल्तमा साथ में, मैं इनको यहाँ रहते हुए मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। तो ये मन्नु आ गई है चाय लेके, किरण की वेडिंग की डेट है वो बताई, बुशरा की वेडिंग किरण है, और मेरा फारूक
जो तारीफ बहुत करती है, थैंक यू मेरा फारूक। हाँ, का बोल रही है। हाँ, और लबीबा है, अंश है, और ईशा धानोरकर है, और वो ईशा धानोरकर बोलते हैं कि भाई का वेट लॉस हो गया है, कैसा वेट लॉस किया आपको थोड़ी देर पहले बताया हूँ। ईशा जी, सपना वर्मा है, जिन्होंने भी सेम क्वेश्चन किया वेट लॉस के लिए, भाई कमज़ोर लग रहा है, ऐसा कमज़ोर नहीं लग रहा हूँ, मैं खुद से फिट होना चाहता हूँ, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया हूँ आपको कि मैं क्यों होना चाहता हूँ। मेरा बेटा यंग दिखे तो मैं भी यंग दिखूँ, क्योंकि मेरा हेल्थ बहुत वेट ज़्यादा हो गया था एक्चुअल में, मुझे यानी ज़्यादा वॉक करना नहीं हो रहा था, और इंशाल्लाह वेट कम होने, बहुत ज़्यादा वेट लॉस किया मैं एक्चुअल में, मेरा 6 से 7 केजी लॉस किया 1 महीने ने, और इंशाल्लाह आपको भी टिप बताऊंगा ज़रूर। शाहीन अंसारी है, शाहीन अंसारी भी माशाल्लाह कमेंट्स करते हैं, पूछते हैं, उनको फिक्र रहती है। और आप लोग से और एक बात करना था कि मैंने बोला था लास्ट वीडियो में कि मन्नू का तमश का ध्यान रखिए, तो आपने सबने माशाल्लाह अच्छे कमेंट्स किए, सबने बोले कि डोंट वरी भाई, आप टेंशन मत लो, हम इनका सबका ध्यान रखेंगे। मैं सबके कमेंट्स एक्चुअल में रीड करता हूँ मेरे मोबाइल में, मैं जहाँ भी रहूँगा ना तो मैं आपके कमेंट्स रीड करता हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। नाइट में सोते टाइम मुझे एक ही काम रहता है, आपके कमेंट्स रीड करना, उन्हें नींद नहीं आती है, मुझको आपके कमेंट्स रीड करता हूँ कि इसके बारे में क्या बोला जा रहा है, क्या कर रहा है, अच्छा लगता है। फिर दीपू है, दीपू पठान, जो तबीयत के बारे में, दीपू पठान मैं ठीक हूँ, तबीयत ठीक है माशाल्लाह, आप लोग की दुआ चाहिए, दीपू पठान आप दुआ कीजिए, नमाज पढ़िए। और करीना खान है, उन्होंने भी तबीयत का पूछा है कि भाई की तबीयत कैसी है, तो करीना खान मेरी तबीयत माशाल्लाह ठीक है। शिबानाज अच्छा है, तो अच्छा क्या बोलते शिबानाज का क्या रिक्वेस्ट थी पता नहीं मैंने, शिबानाज दीक्षा इंगोली भी बोलते हैं, जो डेली कमेंट करते हैं माशाल्लाह, अच्छा लगता है। और सबके नाम लिए, पीछे मेरे दुपट्टा सूख रहा था। अब आइए हम इधर टी पीते हैं, ये बैकग्राउंड है माशाल्लाह, सबके लक्स है, ये मेरा पसंद का है ना, इनकी पसंद बहुत अच्छी है, आप देख सकते हैं। वैसे बंदे ने पूछा कि अगर आप ये शेड्स नहीं पहने होते तो आंख मार देते, मेरी पसंद, ओहो मैं तो फंस गया। मैं पिन्नी खा रही हूँ, पिन्नी दिखाओ, मैं पिन्नी खा रही हूँ, जो पंजाबी है उन्हें पता होगा पिन्नी की होंगी है, बहुत। और मैंने लेके आया हूँ, एक्चुअल में मेरे फ्रेंड है, जब ओपनिंग किया तो उन्होंने ये स्वीट लेके आए थे, तो मुझे मिला नहीं था खाने के लिए, बस जो ओपनिंग के टाइम पे मुझे माला पिनाई थी ऐसा थोड़ा सा दिए थे, लेकिन सब लोग थे मैं बोल नहीं पाया कि ये मिठाई मुझे बहुत पसंद है। फिर बंदा घर आके जो भिड़े ना, मतलब इस पे बोलते ये मुझे बहुत खानी थी, ये मुझे किसी ने पूछी नहीं वहाँ पे, एक्चुअल में पूछे, मुझे डाल दी है मुँह में, मुझे बहुत टेस्ट लगा ओपनिंग का, सब पब्लिक थी, और थोड़ा सा डाला इनके मुँह में, बाद में किसी ने डाला ही नहीं, बोल भी नहीं पाया यार कि मुझे चाहिए वो स्वीट करके, तो मैंने उनको बोला कि मुझे वो स्वीट चाहिए, फिर घर पे ला के दिया, मैंने बहुत खाया, फिर बहुत खाया मेरा बेटू। अभी तारक मेहता का क्या है, अच्छा डैडी से प्यार करते हैं कि मम्मा से प्यार करते हैं, अरे दोनों से। नहीं नहीं सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हैं, दोनों से। नहीं सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हैं, अगर किसी एक का नाम लेना हो तो बोलो। हाँ अल्लाह ताला, बहुत शार्प माइंड है, दोनों को नाराज नहीं करेगा, अल्लाह ताला को खुश कर दिए, अल्लाह ताला से प्यार कर, दोनों से नहीं सबसे ज्यादा अल्लाह ताला से प्यार कर। ये माझी बायको है, मराठी इंगोले है, जो महाराष्ट्रीयन नेम है, दानोरकर भी महाराष्ट्रीयन ही है हमारे, फिलहाल तो मैं काम वाली बाई बनी हुई है। हाँ काम वाली, मैंने आज डाटा हूँ एक्चुअल में, इनको काम वाली बाई रख लो, और अपना हुलिया सही रखो करके, एकदम पड़े ऐसी गंदी यहाँ पर ना, मैं सच बताऊँ पता ही नहीं चल रहा मैं कब उठ रही हूँ, दिन भर काम में खत्म हो जा रहा है, और बस खुद पे कोई ध्यान नहीं है मेरा, ध्यान देना चाहिए, और ये मुझे आज ही डांट रहे थे। अच्छा उस दिन वीडियो में मैं जो पठानी पीना था वो बहुत नाइट का आपने देखोगे, मैं बहुत थक के आया था बाहर से, अब मैं 200 किलोमीटर से बाहर से आया, आने के बाद इन लोग को मैं डिनर पे लेके गया था, मैं फ्रेश भी नहीं हो पाया था,
मेरा मोबाइल गिर जाएगा। इसलिए ऐसा ये मत करिए कि मैं बहुत कमजोर हो गया, मैं छोटी हो गया। प्लीज ऐसा नहीं करिए। मैं सिंपल इंसान हूँ यार गाइस, दिखता हूँ ऐसा लेकिन बहुत सिंपल हूँ। जो होता है दिल में वो बोलता हूँ मैं। यानी बनावटी बातें, नकली बातें मुझे ना पसंद है, ना बोलना पसंद है, ना सुनना पसंद है। जो है रियल है। मैं तो फैक्ट से, फेस इंप्रेशन से समझ जाता हूँ कि ये झूठा है क्या सच है, समझे। इसलिए गाइस आई लव यू। आप सब ध्यान रखिए अपना, मैं आपके साथ हूँ, हमेशा रहूँगा इंशाल्लाह। आपकी दुआ दुआ कीजिए, हम बोल रहे हैं आपको दुआ की ज़रूरत है। हमें यहाँ हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हाँ हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमको दुआ चाहिए भाइयों और बहनों। मेरे दोस्तों मुझे ना थोड़ी को डैडी की तुम रियल लाइफ में चल गए भाई हो ना भाई हो। अच्छा मोदी की मोदी जी कैसा करते हैं बोलो। मेरे उनके सामने निकलती है, उनके मोदी जी के सामने निकलती है ऐसी भाइयों और बहनों। अच्छा शाहरुख खान की स्टाइल करके दिखा। हाँ चलो स्टैंड होगी, इधर इधर खड़े हो गए, चलो रेडी। हाँ हाँ सर, नहीं नहीं शाहरुख खान की, आप कर दीजिए शाहरुख खान की। चलो बना पकड़ो। ए किरण ए सला, हम बहुत प्यार करते रहे तुझसे। अब मुझे ये बताओ किरण कौन है जिसे तुम इतना प्यार करते हो? ये मेरा किरण, ये अब बेटा मेरा बेटा करेगा। चलो अब मुझे किरण किरण बोलना नहीं आता। हाँ चलो जो भी है। एक्चुअल में गाड़ी एक्स। हाँ मजा आ गया, इवनिंग के टी का तो मजा ही हो रहा है। हेलो ये मुझे पता ना, मुझको सोशल मीडिया पे नहीं रहने देती है, ना फेसबुक पे, ना इंस्टाग्राम पे, ना कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं करने देती है। मैं भाई नहीं हूँ यार, बस काम में हूँ, बस गरीब बंदा हूँ यार मैं। प्लीज़ मन्नू को समझाइए कि कम से कम कुछ तो सोशल मीडिया पे रहना चाहिए। बहुत लोग मेरे फ्रेंड बोलते भैया फेसबुक पे नहीं हो और इंस्टाग्राम पे नहीं हो, बस यार मन्नू को समझाओ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। वैसे तुम देखो चिल्ला रही है, नहीं रहना, बहुत डरता हूँ यार। एक बात बोलूँ क्या, पर्सनल मैं इससे बहुत डरता हूँ, किसके पास से नहीं डरता हूँ, इससे बहुत डरता हूँ। बहुत झगड़ा करती है मेरे साथ, मन्नू से, मम्मी से। देखा ना आपने, मैं इसके लिए जो डैडी करते जो डैडी करते वो जो मैं तो करने दूंगा, पर मम्मी नहीं करने देती। मम्मी नहीं करने देती, एक कभी ना ये भी नहीं करने देता है मुझे, स्मोकिंग नहीं करने देता। पर जो अच्छे काम है वो यार मुझे कैसे अच्छे काम करे। चलो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉक में, और लव स्टोरी के लिए प्लीज नेक्स्ट वीक तक वेट करिए। इंशाल्लाह अच्छा कंफर्टेबल होके लव स्टोरी शेयर करेंगे इंशाल्लाह। मनु ने टीम है ना शुगर भी नहीं डाला है, इतनी कमी नहीं है। तो मैं मुझे ये मेरे मुझे आने दो ना, ठीक है रे मम्मी। आप सभी जानते हैं कि जो बंदे होते हैं इन्हें सोशल मीडिया की कोई जरूरत नहीं है, सोशल मीडिया के लिए हम लोग हैं। आप लोग सिर्फ काम करो, मेहनत करो और चुपचाप लाओ, बस खत्म चुपचाप। इसलिए इन्होंने कहा मुझे बताना, मुझे रहना चाहिए कि नहीं, तो नहीं रहना चाहिए इन्होंने सोशल मीडिया पे। जी बेटा गलती होगी मुझसे, हाँ इन्होंने गलती एक्सेप्ट कर ली, इसलिए कमेंट मत करना। सॉरी मम्मी मम्मी कितने गार्डन सोसाइटी जा रहे हो, जाओ तो ये दोनों अल्तमश को थोड़ा देर घुमाएंगे, उसके बाद इंशाल्लाह आज ट्राई करेंगे कि बंदा हमें कहीं बाहर लेके जाए। लेके जाओगे? लेके जाओगे? अब मैं कल चली जाऊंगी, अगर मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो ब्लॉग शूट करूंगी, अदरवाइज मैं चली जाऊंगी फिर कल।
और बहुत जल्दी वापस भी आऊंगी, बंदे ते नजर ते नहीं रखनी है ना। चलो यार, तो चलिए आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं और मिलती हूँ कल एक न्यू ब्लॉग के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, और जिनके नाम रह गए हैं मतलब जिन्होंने अभी लेटेस्ट में कमेंट किए थे इन्होंने उन्हीं के नाम लिए हैं, जो बैक कमेंट्स है जिनके नाम रह गए हैं प्लीज वो एक बार फिर से रिमाइंड करवा दें ताकि नेक्स्ट ब्लॉग में लकी उनका जरूर से नाम ले लेंगे। सो बाय, अच्छा 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 एक मिनट एक मिनट, मैं कैसा लग रहा हूँ जरूर बता देना।